मुझे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था, लेकिन नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, नकली ही सही। पकड़ में आने के बाद ये खुलासा है इन मिस्टर नटवरलाल का, नाम है भगवान दास। सबसे पहले देखिए इस फर्जी आईपीएस की एक झलक। मूलतः सीधी के बैडन का रहने वाले इस शौकिया आईपीएस ने क्राइम ब्रांच का नकली अधिकारी बनकर अपने करियर की शुरुआत की और रीवा सतना नरसिंहपुर में उगाही का धंधा चलाया। हौसले ज्यादा बुलंद हुए तो अपने गृह ग्राम बैडन में ही नकली वर्दी पहनकर रौब झाड़ना और वसूली करना भी शुरू कर दिया। बस मियां नटवरलाल यही गलती कर बैठे और धरे गए। एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने इस नकली आईपीएस का खुलासा करते हुए बताया कि थाना जियावन के गांव माटी गढ़ाई में रहने वाला ये शख्स भगवान दास पहले भी जबलपुर में नकली क्राइम अधिकारी बनने के आरोप में जेल जा चुका है। इस आदतन अपराध से पुलिस को वर्दी, बेल्ट, नेम प्लेट, आईपीएस का बैच और पुलिस अधिकारी बनकर सजने संवरने का पूरा साजो सामान मिला है। कल बेड़न थाने की जानकारी में यह है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा है जो फर्जी पुलिस वाला लग रहा है, उन लोगों से पैसे वैसे का भी डिमांड कर रहा है। इस बात को लेकर के बेड़न पुलिस ने उसका जो मोबाइल नंबर था उसके आधार पे उसका लोकेशन दिया और लोकेशन के आधार पे ही हमको लगा कि ये वास्तव में फर्जी व्यक्ति है, क्योंकि जिस ऑफिसर का नाम ले रहा था वो ऑफिसर का लोकेशन कहीं और बाहर है। सर कितने दिनों से मतलब यहाँ ये काफी लंबे समय से कर रहा है। सिंगरौली से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता अयोध्या प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। मेरी तीसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य और चिकित्सा की ओर होगी।